हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक टॉपिक जो है एनर्जी। ओके, एक्चुअली हम इसको समझने वाले हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी का रोल कहाँ से है, कहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, कैसी उनकी बॉडी चलती है, कैसे काम करती चली, वन बाय वन समझते हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, जो लाइफ है इस अर्थ पे वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। अभी एनर्जी का फ्लो कहाँ से होता है, कहाँ से एनर्जी आती है, तो वो स्टार्ट होती है सन से। ओके, सन के पास क्योंकि बहुत सारी एनर्जी होती है और वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते जाती है उसके अंदर, जिसके वजह से यहाँ पे थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन देखने मिलती है। यानी कि जो सप्लाई है एनर्जी का वो टॉप से लेकर के बॉटम ऑफ द चेन तक हमको मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब सन एक्चुअली कितनी एनर्जी डिलीवर कर सकता है, इसका मतलब कितनी एनर्जी वो दे सकता है, तो एक्चुअली वो है 130 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 कैलोरीज पर ईयर। यानी कि एक साल में 130 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 कैलोरीज, इतनी एनर्जी सन प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो एनर्जी स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन बींग्स इंसान लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, राइट। अब इसको पर्टिकुलरली कौन प्रॉपरली यूज करता है, तो वो है प्लांट्स। ओके, एंड प्लांट्स में भी ग्रीन प्लांट्स बोलना चाहिए। तो जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं और फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं एंड कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी कि जो शैवाल होते हैं, ओके, वो एब्जॉर्ब करते हैं इसकी, जो सूरज की, जो सन की जो एनर्जी है उसका छोटा सा हिस्सा, स्मॉल फ्रैक्शन, ओके, उस लाइट एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एंड उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी। यानी कि सन की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक्चुअली जो ये फोटोसिंथेसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है, वाइटल मतलब कि इंपॉर्टेंट लिंक है, किसके बीच में, उस सन के एनर्जी रिसोर्स के बीच में और जिनको एनर्जी की जरूरत है इस लिविंग वर्ल्ड में। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं समरी में आपको बताना चाहूँ तो जो ये एनर्जी है वो सन के थ्रू कहाँ जाती है, प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं एंड फिर हमारे लिए खाना बनाते हैं, फूड देते हैं, एंड उससे हम ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स, ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।